दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मकाई निकाल के यहीं से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ककड़ी भी है। और ये रही तो दोस्तों कौन कौन खाना चाहेगा, संपर्क करें पहाड़ी ककड़ी। दोस्तों ये रहा नमक, और नमक लगाते हैं ककड़ी में और खाते हैं ककड़ी बढ़िया मजे से। हेलो दोस्तों, राम राम सभी को और स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों सीन ये कि मैं जा रहा हूँ अभी गाँव, और मेरे हाथ में थोड़ा सा कट्टा जो कि है सेब का, और मिलते हैं आपको, मतलब अब दिखाते हैं आपको गाँव में। गाड़ी में जाऊँगा मैं अभी, तो चलो चलते हैं। दोस्तों जैसे कि मुझे दिख चुकी है, और ये रही तो दोस्तों कौन कौन खाना चाहेगा, संपर्क करें पहाड़ी ककड़ी। निकालूंगा नहीं मैं अभी इसे निकालूंगा, और इधर आप देख सकते हैं पीछे, और ये रहा मेरा डंबल इधर पड़ा हुआ, अभी निकालते हैं प्रैक्टिस करते हैं। और आजकल कद्दू भी लग चुका है दोस्तों, ये देखिए आप इधर ऊपर का कद्दू दिख रहा होगा आपको। मकाई ये रही यहाँ पे, मकाई खाएंगे दोस्तों। टमाटर भी लग चुके हैं दोस्तों, लग रखे हैं आजकल काफ़ी बढ़िया जो हैं, लाल नहीं हुए हो जाएंगे। और दोस्तों जैसे कि आप उधर देख सकते हैं मौसमी भी जो है वो लग तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मैं खा रहा हूँ पहाड़ी ककड़ी, और ये मैंने काट दी है अभी अभी, और देख सकते हैं आप नमक के साथ, और नमक निकाल के और नमक के साथ। दोस्तों ये रहा नमक, और नमक लगाते हैं
ककड़ी में और खाते हैं ककड़ी बढ़िया मजे से। वाओ दोस्तों काफ़ी टेस्टी हो रही है। पहाड़ी नमक के साथ आप भी ट्राई करें, पहाड़ी नमक के साथ जो कि है काफ़ी मज़ा आता है। वाह दोस्तों काफ़ी सुंदर। दोस्तों मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में, चले बाय बाय। तो अभी शाम का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, बारिश लग रही है हल्की हल्की। अभी हो रहा है टाइम 4:30 का, अभी आप देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश हो रही है, बारिश पार से आ रही है, पार उतर दिखा होगा आपको, वहाँ से बारिश आ रही है। हाँ कुछ, और ये गांव का व्यू है, काफ़ी हरे भरे हैं आजकल। और दोस्तों आज जो है वो श्री तटेश्वर महादेव की गोपालगी है, वो जा रखी है आज टटाओ डिग्री कॉलेज में, वहाँ उद्घाटन है, वहाँ बनाया है कुछ, वहाँ दूसरी बिल्डिंग बनाई है तो उद्घाटन करना है कुछ, वहाँ जा रखी है आज पालगी। जब मैं आ रहा था तब मुझे दिखी थी ऊपर के लिए, तो अभी जा रहा हूँ मैं छानी में, वो थोड़ा मच्छरों को भगाने के थोड़ा वो करना है, क्या बोलते हैं उसके लिए, थोड़ा आग जलानी है मतलब। तो आजकल बारिश ज़्यादा हुई जिस कारण पानी आया है नल में बहुत ज़्यादा, मतलब पानी जो गढ़वाली भाषा में बोलते हैं पानी उबड़ा है, और जो देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा जो है देख सकते हैं आप इधर भी, यहाँ तो छोटे बच्चे नहा सकते हैं, देख सकते आप देख। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका एक और नए दिन में। तो दोस्तों कल वाले ब्लॉग की जो है एंड नहीं किया था मैंने, और आज कर रहा हूँ मैं उसका एंड, और अभी मैं जा रहा हूँ पानी के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं पानी के लिए जा रहा हूँ। आजकल पानी काफ़ी ज़्यादा है तो देख सकते हैं आप ऊपर पानी काफ़ी ज़्यादा है आजकल। और मैं अभी इधर ब्रश करता हूँ और थोड़ा सर भी धुल लेता हूँ मैं, तब तक देखिए आजकल पानी काफ़ी ज़्यादा आता है यहाँ पर। कल देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पानी है। तो दोस्तों अभी मैंने सिर धुल लिया है और साथ में ये केन भी भर लिया है, और गांव में कुछ आजकल है जो है सन्नाटा है, जो कि आप देख सकते हैं सन्नाटा है, मतलब सुबह के टाइम सब लोग काम पे जा रहते हैं घास के लिए, और सुबह के टाइम कोई दिखता ही नहीं गांव में, ये है बात। जैसे कि आप देख सकते हैं गांव में आजकल कोई नहीं है, कोई नहीं मतलब अभी सुबह सुबह सब जा रखे हैं, देख सकते हैं पूरा सन्नाटा लगता है, ऐसा लगता है कोई हो ही ना इधर पे। तो अभी चलता हूँ मैं घर में, नाश्ता वास्ता करते हैं उसके बाद बनाते हैं, उसके बाद नाश्ता लो देख सकते हैं अभी इधर तो नहीं है, और अपलोड भी अब लग चुके हैं, निकाल लिए हैं सबने अपलोड अपने अपने घर के। दोस्तों ये कुछ गांव का व्यू है सुबह का, और अभी धूप लग चुकी है आप देख सकते हैं जो कि है, अब अखरोट भी लग चुके हैं, अब इनको निकालते हैं एक दो दिन में, देख सकते हैं आप पार। और अभी तक हमने जो मक्की होती है वो खाई अभी तक। और ये रही मेरी दादी जी, दादी हाँ तो करना और ये कुछ मेरा घर है देख सकते हैं आप दोस्तों। आज तो काफ़ी ज़्यादा मकाई खाली है,
मक्खी जो कि इधर पास ही में है खेत में लगी हुई बढ़िया से। तो दोस्तों अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और आप लाइक कमेंट और शेयर कर दिया करो, कमेंट तो ज़रूर कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे दादी जी है, और अब करते हैं हम ब्लॉग को एंड और मिलते हैं आपको एक और नए इसी ब्लॉग के साथ। आज मैं ब्लॉग ख़त्म करूँगा, इसके बाद दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगा दोस्तों। ये ब्लॉग आएगा शाम तक।